हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुनील ऑटो कार। सो आज हम लोग देखने वाले हैं टाटा पंच की डिलीवरी वीडियो। तो ये है भाई टाटा पंच का सेकंड बेस एडवेंचर वेरिएंट। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात भी करेंगे, साथ ही में आप इसका पूरा देखेंगे डिलीवरी प्रोसेस। तो सबसे पहले अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो आप इस माइक्रो एसवी कार की काफी मस्कुलर सी आपको आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। एंड इस कार में और एक प्लस पॉइंट भाई सेफ्टी, जो आपको टाटा की बिल्ड क्वालिटी, तो वैसे भी आप जानते हैं, तो आपको इसमें मिलती 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग जो ग्लोबल एनकैप ने इस कार को प्रोवाइड की है। इंजन स्पेक में सिर्फ आपको पेट्रोल का ऑप्शन दिया जाएगा एंड इसमें आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, बट बेस वेरिएंट में कोई भी आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये भाई इसकी फ्रंट प्रोफाइल। वेरिएंट्स आपको इसमें मिलते हैं 4, इसका बेस प्योर, देन एडवेंचर, एकम्बलिश एंड टॉप एंड मॉडल क्रिएटिव। क्रिएटिव में जाते हैं तो वहां पे आपको भर के फीचर्स मिलेंगे, एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं एंड इस तरह कुछ आपको की मिलेगी इसमें, जिसमें लॉक अनलॉक फुल में हेडलैम्प एंड फ्लिप के रहने वाली दूसरी मैनुअल की यहाँ पे दी जाती है, पीछे टाटा का लोगो। तो आइए देखते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में क्या कुछ दिया गया है, देन चलेंगे इंटीरियर में। तो यहाँ पे देखेंगे आपको बड़ा सा टाटा का लोगो एंड ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल दी गई है एंड इस तरह पूरा इंजन हुड वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल हाइलोजन हेडलैम्प्स का सेटअप दिया गया है इस वेरिएंट के साथ। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट, इस तरह कुछ रूफ पावर एंटीना, डुअल टोन का ऑप्शन आपको मिलता है इसका टॉप एंड मॉडल क्रिएटिव में। तो ये भाई इसकी पूरी फ्रंट प्रोफाइल। देन जब हम लोग साइड प्रोफाइल देखेंगे तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलता है 15 इंच का इसके स्टील लिम एंड यहाँ पे व्हील कवर्स पूरे ब्लैक कलर के। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। टायर प्रोफाइल 185/70 आर 15 इंच के डेडल के टायर आपको मिलेंगे। यहाँ पे इतना कुछ इसका ट्रेवल, यहाँ पे क्लैडिंग। देन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बॉडी क्लैडिंग भी मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलेगी इसके बॉडी में। आउटसाइड मिरर्स सेम बॉडी कलर एंड इलेक्ट्रिक भी एडजस्टेबल रहेंगे। इंडिकेटर्स भी आपको इसी में देखने को मिल जाते हैं। बी पिलर भी सेम रहेगा, वही ग्रे कलर का। ऊपर यहाँ पे पावर एंटीना, बी पिलर भी देखते हो तो मैटी ब्लैक फिनिश में यहाँ पे रखा गया है। डोर हैंडल्स सेम एंड यहाँ पे रिमोट सेंटर लॉकिंग की मिलेगी। डोर पैनल जो है इसका पूरा डुअल टोन में एंड इस तरह पूरा फ्रंट डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा आपको टाटा पंच का, इस तरह सेटिंग अरेंजमेंट। तो अंदर अभी हम लोग बाद में चलेंगे क्योंकि करते ऑफ एंड अंदर जब चलेंगे तब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी देखते हैं इसकी पूरी साइड प्रोफाइल एंड यहाँ पे देखेंगे तो पूरा मैट ब्लैक फिनिश एंड ये रहा इसका रियर व्हील जो आपको ड्रम ब्रेक के साथ दिया जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं एंड अगर इसके हम लोग व्हील बेस की बात करें तो ये आपको 2445 mm का व्हील बेस मिलता है आपको टाटा पंच का। वारंटी आपको इसमें 2 साल 75,000 km की टाटा प्रोवाइड कराते हैं, तो वारंटी आपको मिली जा रही है जिसमें को आप एक्सटेंड करा सकते हैं 5 साल के लिए भी। एंड इधर एडवेंचर रिदम, तो ये भाई इसका एडवेंचर वेरिएंट एंड अगर आप एडवेंचर रिदम में जाते हो तो आपको 35,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जहाँ पे आपको कंपनी फिटेड टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। तो बैक प्रोफाइल कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आएंगे तो टाटा का लोगो एंड नीचे मिलती है आपको पंच की बैजिंग। देन इधर आएंगे तो ये रही भाई इसकी बैक लाइट्स जो आपको ट्रायरो डिज़ाइन में दी गई है, नॉर्मल हाइड्रोजन रहेंगी। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर एंड ट्रायरो डिज़ाइन, दो यहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और ब्लैक कलर का ये बम्पर, इस तरह पूरा सस्पेंशन सेटअप। इधर आपको एग्जॉस्ट पाइप राइट साइड। तो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 187 mm का मिलेगा। तो ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे कोई रियर वाइपर डिफॉगर नहीं मिलता है सेकंड बेस वेरिएंट में। यहाँ पे रैनो, ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, देन वोकल फॉर लोकल का स्टिकर। तो ये थी इसकी बैक प्रोफाइल। बोर्ड स्पेस की अगर इसकी बात की जाए तो आइए आपको दिखाते हैं। तो इस तरह पूरा केबिन आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे 366 लीटर का बोर्ड स्पेस मिलता है ये पार्सल ट्रे, 366 लीटर का बूट लाइट हुक वगैरह भी यहाँ पे आपको दिया गया है। इधर पंचर रिपेयर किट मिलती है, आई थिंक ऊपर रखी होगी, आगे क्लब बॉक्स वगैरह में। एंड स्पेयर व्हील की बात की जाए तो यहाँ पे इसका स्पेयर व्हील टूल किट वगैरह सबको देखने को मिल जाएगी। तो भाई यही था इसका बोर्ड स्पेस एंड यहाँ पे आपको इसमें पेट्रोलिक ऑप्शन मिलेगा, देन दूसरा कोई सीएनजी डीजल वगैरह का आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है टाटा पंच के साथ। तो मस्ट कैब है, सेफ्टी आपको मिली जाती है, टाटा की बिल्ड क्वालिटी जानते हैं, तो 5 स्टार रेटेड कार है ये एंड इसी के साथ फीचर्स तो बढ़िया मिल ही रहे एंड काफ़ी बढ़िया सी लगती देखने में भी ये हमारी टाटा पंच। तो ये है इसका ग्रे कलर। ग्रे के अलावा आपको यहाँ पर टोटल 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं, रेड, ऑरेंज, ट्रॉपिकल मिस्ट, ब्राउन एंड काजीरंगा एडिशन भी यहाँ पे आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आएंगे तो इसका फ्यूल कैप, 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी एंड यहाँ पे पूरी देखेंगे तो मैट ब्लैक फिनिश दी गई है इसके लास्ट वाले पिलर में एंड डोर हैंडल के पास। तो यहाँ से ऊपर कुछ ओपन होता है इस तरह। और अब बात करें अगर इसके इंजन स्पेक के बारे में तो ये आप इसका देख रहे हैं 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 86 पीएस की पावर एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, समथिंग 1920 केएमएल का मैली मिल जाएगा इस कार में। तो ये था भाई इसका इंजन आउटपुट एंड यहाँ पे भाई लुक्स आप देख ही चुके हैं, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया से। तो अभी चलेगा इसके सेकंड वाली सीट की तरफ, तो ये डोर हैंडल कुछ इस तरह ओपन होगा ऊपर से एंड यहाँ पर सारी डोर्स इसकी 90 डिग्री ओपन हो जाती है, तो भी काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर आपको पावर विंडो का कंट्रोल, डोर ओपनर, नीचे बॉटल होल्डर एंड स्पीकर। सो इस तरह पूरा आपको लेआउट यहाँ पे मिलेगा सेटिंग अरेंजमेंट का। फैब्रिक यहाँ पर सारी सीट्स रहने वाली हैं, सीट बेल्ट, चाइल्ड सीट माउंट। तो आइए बैठ के देखते हैं कितने का आपको स्पेस मिलेगा। सो अभी बैठ चुके कार के अंदर एंड बैठने के बाद इस तरह पूरा फ्रंट डैशबोर्ड का आपको व्यू दिखने वाला है इसका।
यहाँ पे ऑडियो सिस्टम भी आपको दिया गया है, स्टीयरिंग में माउंट कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ छोटा मोटा स्पेस, रियर एसी वेंट्स हालांकि आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेग रूम एंड थाई सपोर्ट देख सकते हैं कुछ इतना दिया जाएगा इस माइक्रो एसवी कार का। यहाँ पे हैंडल, पीछे पार्सल ट्रे, यहाँ भी कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको फिक्स हेडरेस्ट। तो अभी चलेंगे कार के बाहर, फिर बात करेंगे हम लोग इसके फ्रंट वाले सीट की, आई मीन ड्राइवर सीट की तरफ चलेंगे, देन बात करेंगे प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे इसके वेटिंग पीरियड की बात करें तो भाई 1 से 2 महीने की वेटिंग पीरियड आपको मिलेगी, डिपेंड करता है वेरिएंट पे। तो अभी आते हैं अंदर, तो डोर हैंडल सेम वही बॉडी कलर। तो डुअल टोन में इसका पूरा ड्राइवर साइड का डोर पैनल, फ्रंट डैशबोर्ड भी सेम डुअल टोन। पहले डोर पैनल ही देखते हैं, तो यहाँ पे मिलते हैं आपको ऑल फुट पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक चाइल्ड लॉक, ओआरवीएम एडजस्टमेंट के कंट्रोल, डोर ओपनर, ट्विटर। नीचे आएंगे तो स्पीकर एंड बॉटल होल्डर की स्पेस मिल जाती है इनके डोर्स में। और ये रहा इसका पूरा सेटिंग अरेंजमेंट, सेम वही फैब्रिक की सीट्स, एंड यहाँ पे आपको इसमें सिर्फ सीट रिक्लाइन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे फ्यूल लीड ओपनर, यहाँ पे मिलते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के सारे पैडल्स, यहाँ पे स्पेस, ड्राइव मोड, सीक्वेंस सिटी, दो यहाँ पे ड्राइव मोड्स आपको दिए जाएंगे। एंड अंदर बैठ के एक झलक आपको दिखाते हैं पूरे फ्रंट डैशबोर्ड की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा एनालॉग रहने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पीडोमीटर, टैगोमीटर सभी कुछ, इस तरह पूरा फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू। तो यहाँ पे जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, स्टीयरिंग में माउंट कंट्रोल्स, ऑडियो सिस्टम्स, रिमोट सेंटर लॉकिंग की, एंड इसी के साथ ये रहा पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहाँ पे काफ़ी सारे चेकलाइट्स, फ्यूल गेज, टेम्परेचर मीटर वगैरह आप देख सकते हैं, ट्रिप एवरेज माइलेज वगैरह आप यहाँ से आप इसको चेक कर पाएंगे। तो हमारी स्क्रीन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये स्टीयरिंग व्हील, एंड यहाँ पे इस तरह पूरा दिखता है फ्रंट डैशबोर्ड। ऊपर ये मिलता है आपको इसका ऑडियो सिस्टम, जो ब्लूटूथ, यूएसबी, ऑक्स वगैरह सपोर्टेड होगा। नीचे आप इसके कंट्रोल दिए गए ऑडियो सिस्टम के। तो भाई टच वाला चाहिए तो आप इसके एडवेंचर रिदम में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये प्लस रिवर्स पार्किंग कैमरा, दो चीज़ें एड ऑन हो जाएंगी, एसी वेंट्स, हेजलाइट का स्विच। नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलता है आपको एसी के कंट्रोल्स, नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे यूएसबी एंड डॉक्स का पोर्ट, स्पेस, और ये इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है इस एडवेंचर में। यहाँ पे हैंड ब्रेक, 2 ग्लास होल्डर्स, यहाँ पे भी चाहे तो 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट लगवा सकते हैं। इस तरह पूरा इधर का व्यू। तो यही था इसका अंदर का फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह, डुअल एयरबैग आपको मिलेगा इसमें, एंड ये रहा भाई ऑडियो सिस्टम। तो अगर आप टच वाला लगवाते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा, तो उसके लिए तो आपको 35,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इस एडवेंचर वेरिएंट के प्राइस से। तो अभी आते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, देखिए इसका थोड़ा डिलीवरी वीडियो, फिर आगे बात करते हैं। सो गाइस यही था इसका पूरा डिलीवरी वीडियो एंड कुछ जानकारी जो थी गाड़ी के बारे में, वो भी हम लोगों ने इसके साथ पूरा कवर किया। तो अभी बात करेंगे इस कार के हम लोग प्राइसिंग के बारे में। तो ये जो अगर आप एडवेंचर वेरिएंट लेते हो तो आपको पड़ता है 6,69,000 एक्स रूम एंड 7,64,000 पड़ेगा ऑन रोड लखनऊ। ये पे अगर आप एडवेंचर रिदम लेते हैं, जहाँ पे आपको टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको कंपनी फिटेड मिल जाता है, तो आपको 7,04,000 एक्स रूम एंड 8,03,000 पड़ेगा ऑन रोड लखनऊ। यहाँ पे भी भाई सेलिब्रेशन पूरा चालू है, देख सकते हैं पूरा सेलिब्रेट हो रहा है, पूरा माहौल एकदम बना हुआ है। तो अभी हम लोग बात कर लें अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो टाटा की आप जानते ही, बढ़िया प्रीमियम से आपको पूरा फ्रंट डैशबोर्ड इंटीरियर दिया जाता है। तो यहाँ पे 1,00,000 इसकी पूरी सेल आउट हो चुकी है यूनिट टाटा पंच की, तो भाई समझ ही सकते हैं कितनी ज्यादा डिमांड है इस माइक्रो एसयूवी कार की। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको एबीएस विद ईबीडी, डुअल एयरबैग, सेंटर लॉकिंग, पावर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड रडार सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस कार में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।